हाय गाइस, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। तो आज हम घर पे बनाएंगे इडली सांभर। तो मैंने सांभर बनाने के लिए मैं यहाँ कुछ सब्जियाँ ले ली, जैसे कि पेठा, ड्रमस्टिक, टमाटर और शिमला मिर्च। और उसको अच्छे से कुकर में चना दाल डाल के गला लेंगे, फिर उसको हम सब तड़का लगाएंगे। तो तड़का लगाने के लिए मैं लिए यहाँ पे जीरा और सरसों। उसको चटकने के बाद लाल मिर्च, लहसुन, अदरक और प्याज डाल के उसको 5 मिनट तक भून लेंगे। फिर उसके बाद हम डालेंगे इसमें प्याज। तो मैं यहाँ पे हरा प्याज ले ली हूँ, जिसको भून लूँगी अच्छा से रेड होने तक। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे सांबर मसाला और लाल मिर्च। उसको दो डालने के बाद, वो उसमें पानी तो डाले नहीं थे तो जल जाएगा, इसलिए हम तुरंत इसमें वो सांबर डाल देंगे जो हम पकाए थे, गलाए थे दाल, वो डाल देंगे। और हमारा सांबर को 2 मिनट पका लेंगे, जिससे ये पूरा अच्छे से खोल जाएगा और सारा मसाला मिक्स हो जाएगा, तड़का मिक्स हो जाएगा और हमारा सांभर रेडी हो जाएगा। फिर उसके बाद हम बनाएंगे इडली। तो इडली बनाने के लिए मैंने रात में ही चावल दाल को भिगो के पीस लिया था, ये अच्छे से फूल गया है। उसके बाद हम ये इडली सच्चा पे तेल लगा लेंगे, जिससे इडली अच्छे से निकले और चिपके ना। फिर उसके बाद हम एक एक करके सारे तीनों सच्चे में डाल के इसके 5 मिनट तक पका लेंगे और हमारा इडली बन जाएगा। देखो कितना सुंदर बना है, फूला फूला एकदम फ्लफी फ्लफी। और ये हम सर्व करेंगे केले के पत्ते पे। केले का पत्ता हम अपने बगीचे से ही तोड़ लेंगे, या फिर आप चाहो तो अपने घर के पड़ोस वाले अंकल